किस तेल, कौन सा तेल यूज़ किया जाए, तो हमेशा हम ये समझाते हैं कि आप मिक्स रखिए, कभी भी घर में एक ही तेल ना यूज़ करिए। जैसे कि दाल में आप तड़का घी का लगाएं, सब्जी को आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, सैलड्स खाएं ऑलिव ऑयल डालकर। सो एक एंड जो रेगुलर मीडियम ऑफ ऑयल है, आप कैनोला ऑयल यूज़ करें, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें। तो एक मिक्स ऑफ ऑयल्स जब यूज़ करेंगे तो आपको सारे फैटी एसिड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम याद रखना है कि तेल की मात्रा तो कम ही रखनी है। अब किसी को क्या ऐसा कोई सिम्टम है जो जिसके हाई कोलेस्ट्रॉल है, या ये ऐसे लोगों को खुद ही जांच कराते रहनी चाहिए लिपिड प्रोफाइल की समय समय पर, एनुअल मेडिकल चेकअप के नाम पर या किसी बहाने से? क्या ऐसा, हमें कब ये पता लगता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और इसका कुछ असर हमारे हार्ट पे पड़ने वाला है? क्योंकि हार्ट पे जब सिम्टम्स आएंगे इसका मतलब है कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है बात। जी, कोलेस्ट्रॉल अलोन कोई सिम्टम नहीं देता अकेले में, लेकिन कुछ फीनोटाइपिक, मतलब कुछ बाहर हमारे स्किन पर दिख सकता है। कुछ लोगों के आंखों के ऊपर आप देखेंगे थोड़ी सी सूजन हो जाती है, उसको हम डिसलिपिडीमिया के ज़ैंथलास्मास बोलते हैं। अगर वो आ जाएं तो आपको तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बाय इट्सेल्फ कभी नहीं बताएगा कि मैं बढ़ गया हूँ। 30 ईयर्स के बाद हर इंसान को अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज़ बहुत जल्दी आई है, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल उससे भी पहले चेक कराना चाहिए। हम सबको समझना है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही एक कारण नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई स्ट्रेस, हाई पोल्यूशन लेवल्स, ये सब मिलकर अपना हाथ पकड़ते हैं और इनकी जब शादी हो जाती है वो कभी टूटती नहीं है। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि इसके सिम्टम्स स्किन पे भी दिखते हैं, क्या हाई बीपी के भी सिम्टम्स स्किन पे दिखते हैं? कुछ लोगों की स्किन बिल्कुल लाल हो जाती है जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम फ्लशिंग कहते हैं। बट टिपिकली हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं जिनका सिर में दर्द होगी, आँखों में दर्द होगी, नेप ऑफ द नेक में तकलीफ होगी, वो लोग लकी हैं। क्योंकि जिनको मालूम पड़ जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो लकी हैं जिनको मालूम पड़ गया। यस, और जिनको मालूम नहीं पड़ता, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी होती है, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं था कि उनका बीपी हाई था। तो अगर आप हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर हैं, आपको अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। और ये जो 120/80 का इसका रेंज है बीपी का, क्या ये हर इंसान के लिए है? किसी का वज़न ज़्यादा है अगर, और या किसी की एज, ये वेरी करता है, ये क्या सबके लिए एक सेम मानक है इसके 120/80 का बीपी का? तो पहले हम लोग बहुत एज कैटेगरी देते थे, लेकिन अब हम कहते हैं ऑल एडल्ट्स का ब्लड प्रेशर शुड रिमेन लेस देन 125/80, अपर लिमिट 130/80 से अंदर ही अंदर रहना चाहिए। लेकिन वो इंडिविजुअल जो 75 की उम्र से बढ़े हुए हैं, उनका हम अलाउ करते हैं अप टू 140/80। बाकी ऑल एडल्ट्स 30, 40, 60 सबका ब्लड प्रेशर शुड आइडियली बी लेस देन 130/80। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस एनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फोन आया, कपिल सिब्बल जी का। अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। दो लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।